16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपने जिंदगी में। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा हुआ है, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल, में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, क्योंकि विदल और उत्पल इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, तब माता जगत जननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा था, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया था। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फिर ही हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ कर। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अब ई में कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ, कुंदकेश्वर का नाम। कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में, किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर करा, पर साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिवजी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपका कर आ जा और एग्जाम देने जा, बाबा निपटेगा सब काम कर। तो किस एग्जाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो अपने नौकरी के लिए, प्रयास करो। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक
आपने जितनी कथा शिव महापुराण की सुनी होगी, कोई खर्चे का काम बताया हो तो बताना। बस एक ही खर्चे का काम बताया था, वो पिछला वो शिवरात्रि का उत्सव गया, उसमें गुलाब का फूल। अब हमको नहीं मालूम था कि गुलाब इतना महंगा हो जाएगा। पितृपक्ष में शहद वाला यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।